लीजिए साहब, मतलब बच्चे को अच्छा तो लगेगा ना ये? सर बिल्कुल अच्छा लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी कंपनी गारंटी होती है। ठीक है, बात ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है इन सब के बारे में। कोई बात नहीं सर। ठीक है साहब। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, आपको क्या चाहिए? कछुआ चार्जर चाहिए है? कछुआ? नहीं मैडम, यहाँ पर कोई कछुआ चार्जर नहीं मिलता। थैंक यू। अरे मुन्ना, फोन चला रहे हो? जी भैया, वो कॉलेज के मैसेज देख रहा था। अच्छा, हम तुम्हारे लिए एक चीज लेके आए, देखो। ये क्या है भैया? अरे खोल के देखो भैया, लैपटॉप। पर इसकी क्या जरूरत थी, इतने पैसे खर्च किए आपने। अरे मुन्ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी भावना नहीं समझेंगे? हमें सब पता है तुम्हें पढ़ाई करने में परेशानी होती है ना, तो हमने सोचा लैपटॉप जो भी कहते हैं वो ले आए हम। जी भैया, थैंक यू भैया। पर भैया, इस सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? अरे मुन्ना कोई बात नहीं, अरे वो जो हमारा छोटा सा प्लॉट पड़ा था ना, वो बेच के हम ले लिए। कोई बात नहीं, तुम देखो ना, छोड़ो वो सब, तुम्हारा जन्मदिन भी तो आ रहा है कुछ दिन बाद, तो हमने सोचा एक छोटा सा गिफ्ट ले ले। खोलो खोलो। भैया ये क्या है, इसमें लैपटॉप तो है नहीं। अरे मुन्ना, हमने अपने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने ये बक्सा खोल के दिखाया था, इसमें तो कोई लैपटॉप था, मगर अब इसमें ये पत्थर कैसे आ गया हमें पता भी नहीं। अरे हमारे तो सारे पैसे चले गए, अब हम किसको क्या बोलेंगे समझ ही नहीं आ रहा। भैया लगता है हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड ना हमें सबको बताना चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसा हो ना। मैं एक काम करता हूँ, अपने फोन से लाइव आके सबको बताता हूँ। हेलो गाइज, ये मेरे बड़े भैया है, और ये जब बाय बाय कंपनी से एक लैपटॉप खरीद के लाए थे, उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, और मेरे भैया सारी खेत और जमीन बेच के ये लैपटॉप लेके आए थे। ये देखिए, उन्होंने कूड़ा दे दिया है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जिससे जो बन सके हमारी मदद करो, हम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। भैया मैंने लाइव कर दिया है, अब देखना हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है मुन्ना, देखते अब जो भी होता है। ये क्या, ये तो मेरी शॉप का नाम ले रहा है। क्या हम लोगों ने फ्रॉड किया है? मार्टिन, मार्टिन! जी सर। क्या ये सब? सर ये तो वही व्यक्ति था जो हमारे यहां से लैपटॉप लेके गया था अभी। हाँ ये वही है, इसके बॉक्स में ये पत्थर और कूड़ा आया कैसे? तुमने तो लैपटॉप ही दिया था ना चेक करवा के। हाँ सर, मैंने खुद अपने हाथों से लैपटॉप रखा था। ऐसा करो, तुम्हारे पास इनकी डिटेल्स होंगी, इनको फटाफट इमीडिएटली मेरे ऑफिस में बुलाओ, जल्दी से। जी सर, मैं लेके आता हूँ सारी डिटेल्स और उनको बुलाता हूँ आपके पास। मेरी पूरी शॉप का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग। मुझे एक बात बताओ, जो तुम लाइव आकर मेरी शॉप की बदनामी कर रहे हो उससे मिल गया जाएगा तुम्हें? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि पहले मैं आकर कन्फर्म कर लूँ कि जो भी सामान निकला है वो हमने ही दिया है या फिर किसी और ने आके रख दिया है? नहीं, लाइव आ गए, बदनाम कर दिया। तुम्हें पता भी है मेरे दादा के टाइम से ये शॉप है, और तुम्हारे एक लाइव की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से इतनी बदनामी हो गई है मेरी। अरे मेरी रेटिंग्स गिर गई है, अब कोई भी नहीं आ रहा मेरी शॉप पे तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से। इसकी गलती नहीं है, बात यह है कि हमने बड़ी मेहनत करके ये खरीदा था। आपको पता नहीं है हमने भी अपनी पुरानी जमीन बेची है ताकि ये मुन्ना पढ़ाई कर सके, मगर उसमें क्या निकला, ये कूड़ा। तो हम घबरा गए थे, अगर हम आपके पास आते तो पता नहीं आप हमारी बात का भरोसा करते क्या नहीं। तो बस मुन्ना ने थोड़ा सा कदम उठाया बस। तुमने मेहनत करके एक जमीन खरीदी थी, फिर बेच के ये लैपटॉप लिया। हमने भी ना मेहनत करके इतनी बड़ी दुकान को बनाया है, और तुमने सिर्फ थोड़े से समय में सब बर्बाद कर दिया। अरे एक बार आकर तो देखते, अपने ही तुमने मनगढ़ंत कहानी बना ली कि हम लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। और रही बात चोरी की, मैं ऐसा करता हूँ एक बार सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ, शायद वहां पर पता चल जाए जो आपको गलत चीज दी है उसके पीछे सच क्या है। बस एक मिनट। देखो, ना ही हमारी गलती है इसमें, ना ही आपकी गलती, ये किसी लड़की ने सब किया है। चिंता मत करो, इस चोर को ना मैं पकड़वा लूंगा, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी है। पर आप लोगों ने ना बहुत गलत किया है। अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक और लाइव करिए, और उसमें सबको सच बताइए कि जो भी कुछ हुआ है
वो हमारी गलती नहीं थी। ठीक है साहब, मुन्ना माफ़ी मांग लेगा, हम भी मांग लेंगे। हमने जो नुकसान झेला हम आपसे क्या बोल सकते हैं, ये भी न दे तो चलो मुन्ना। नहीं नहीं नहीं, आपने पैसे दिए तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सामान दें। मार्टिन, इनको एक नया लैपटॉप दो और उसका बिल काट के इनको दे देना, और जो भी उसने चुराया लड़की ने वो तो पकड़ जाएगी, आप चिंता मत करिए। पर आगे से कोई भी कदम उठाओ तो सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक छोटा सा कदम ना सामने वाले की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। जी साहब। ठीक है, जाओ अब। चलो मुन्ना।